micro state and macro state. What is the meaning of? Now next move to the definition. Micro state and macro state. Micro state matlab kya hoga? All possible energies are known as micro state. All possible energy is known as micro state. Theek? And what is macro state? Collection of some micro state for the same space is known as micro state. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिना माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को जाने वी कांट अंडरस्टैंड. माइक्रो स्टेट, इसको भी मैं एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी. आप लिख सकती हैं ऑल पॉसिबल एनर्जी इज नोन एज माइक्रो स्टेट. आई नीड कलरफुल चॉक्स, कहाँ रख दी मैंने. ओके, माइक्रो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? ऑल पॉसिबल एनर्जी is known as micro state. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि माइक्रो स्टेट हम किसको कहते हैं. परम्यूटेशन उससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर सिंगल पार्टिकल, एग्जाम्पल क्या है, सिंगल पार्टिकल of spin plus minus 1. अगर कोई पार्टिकल है जिसकी स्पिन प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 का मतलब एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर है. ओके, तो उससे हम कैसे माइक्रो स्टेट उसका निकालेंगे, कितनी एनर्जी लेवल उसके होंगे. अब आप देखिए कि जब आपका सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग हियर स्पिन, अगर इसके स्पिन की वैल्यू प्लस वन है, ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, स्पिन से रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट. और एनर्जी जो स्पिन पार्टिकल की होती है वो कितनी होगी, माइनस म्यू नॉट और बी. ठीक है, एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस म्यू नॉट बी. अब अगर आपका यहाँ पे स्पिन नेगेटिव हो, अगर स्पिन जब आपकी नेगेटिव है माइनस वन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका होगा माइनस ऑफ म्यू नॉट और ये आपका होगा म्यू नॉट ऑफ बी. तो हर एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ये जो सिंगल पार्टिकल के एक स्पिन ऐसे हो रही, एक स्पिन ऐसे हो रही, तो इस स्पिन के टाइम पे जो उसकी एनर्जी है वो हो गई ये, और इस स्पिन के टाइम पे जो उसकी एनर्जी है वो हो गई ये. सो दिस इज योर माइक्रो स्टेट एंड दिस इज ऑल्सो योर माइक्रो स्टेट. ठीक, और यहाँ पे मैक्रो स्टेट किसे कहते हैं, माइक्रो स्टेट ये, और दिस इज नोन एज मैक्रो स्टेट. मैक्रो स्टेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ अ पार्टिकल. ऐसे आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ अ पार्टिकल या सिस्टम फॉर पार्टिकल और सिस्टम इज नोन एज माइक्रो स्टेट. और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहां पे फोर पार्टिकल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहे हैं फोर पार्टिकल्स विथ स्पिन प्लस माइनस वन. अभी मैंने सिंगल पार्टिकल लिया था, अब मैं चार पार्टिकल ले रही हूँ विद स्पिन प्लस माइनस वन. तो इनकी एनर्जी हम कैसे देखेंगे, विच लेवल विल बी सेड एज माइक्रो स्टेट एंड विच विल बी सेड एज माइक्रो स्टेट. तो आप देखो चार पार्टिकल है, सबका स्पिन प्लस
माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चारों की प्लस भी है माइनस भी है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको स्पिन यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा कि या तो चारों ऊपर है, ठीक, या तो तीन ऊपर है, या तो दो ऊपर है, और या तो वन ऊपर है। ओके, चार पार्टिकल विद स्पिन, ऐसा ऐसा संभावना है कि या तो चारों पॉजिटिव ऊपर हो, या तीन ऊपर हो, दो ऊपर हो और एक ऊपर हो, तो इसमें एक इसकी नीचे हो जाएगी, तीन ऊपर एक नीचे, दो ऊपर दो नीचे, और एक ऊपर और तीन नीचे, ठीक है। आपको पता है कि हर एक स्पिन से रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक मोमेंट जब इसका निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट और एनर्जी, ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 म्यू नॉट, ये कितना होगा आपका 4 म्यू नॉट, ठीक है। इसका कितना होगा, देखिए, एक म्यू नॉट, दो म्यू नॉट, तीन म्यू नॉट माइनस एक म्यू नॉट, मतलब ये दो तो कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 2 ऑफ म्यू नॉट, यहाँ पे कितना होगा, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0, यहाँ पे कितना होगा, ये दो कैंसिल होंगे, बाकी दो का बचेगा, तो माइनस ऑफ 2 म्यू नॉट। अच्छा, इसमें एक स्टेट और थी, 1 2 3 4, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ क्योंकि मैं दूसरा जगह नहीं इसमें वो करना चाहती हूँ, 1 2 3, फिर 1 2 1, और फिर इसमें सारा उल्टा, ठीक है, 1 2 3, 1 2, और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिलेगा आपको, 2 म्यू नॉट मिलेगा, दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस 2 म्यू नॉट, और ये कितना होगा, माइनस 4 ऑफ म्यू नॉट। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस म्यू इंटू बी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 4 म्यू नॉट इंटू बी, माइनस 2 म्यू नॉट इंटू बी, 0, 2 म्यू नॉट इंटू बी, और यहाँ पे क्या होगा, 4 म्यू नॉट इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कितने तरीके से, दिस इज योर मैक्रो स्टेट, चार पार्टिकल की एक स्टेट ये है, ठीक, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर मैक्रो स्टेट। अब ये आपका मैक्रो स्टेट कैसे है, इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, ऐसे, तीन ऊपर है ना, तो 1 2 3, बीच वाले को नीचे कर दीजिए, सेकेंड नंबर वाले को, नेक्स्ट प्रोबेबल चांस क्या है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए इधर 1, सेकेंड वाले को नीचे किया, 2 3, और सेकेंड वाले को हमने नीचे कर दिया, फिर नेक्स्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे ही हमने डाउन कर दिया, और फिर इसमें 1 2 3, ठीक है। तो ये एक लेवल को हम कितनी तरीके से हम सजा के लिख सकते हैं, यहाँ पे इस एक को हम टोटल चार तरीके से सजा के लिख सकते हैं। ओके, कितने तरीके से ये हो गया, 3 up 1 down, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये टोटल क्या है, मैक्रो स्टेट, जिसमें ये हर एक क्या है आपका माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, दिस इज माइक्रो स्टेट,
लेकिन जब आप पूरे की बात करेंगे, वहां से लेके ये पूरे की बात करेंगे यहां तक आते हुए, देन दिस इज योर मैक्रो स्टेट। समझ गए कि मैक्रो स्टेट में सभी की एनर्जी तो सेम है, बट हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको लिख सकते हैं। पूरा कॉम्बिनेशन जितना आता है दैट इज योर माइक्रो स्टेट। मतलब माइक्रो स्टेट मतलब लास्ट स्प्लिटिंग एनर्जी की। अब इससे ज्यादा क्या स्प्लिट करेंगे और कितने तरीके से लिख सकते हैं। सो यू मे बी नाउ गेटिंग कि हम किस तरीके से इसको लिख रहे हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी के सेंस में देखा जाए तो हाउ कैन वी अरेंज फोर पार्टिकल सच दैट ऑल आर इन वन डायरेक्शन। तो आप कैसे लिखोगे इसको, हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन कितनी बनती है। इसकी तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बन सकती है, 4C4 इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें क्या है, तीन ऊपर। हाउ कैन वी अरेंज इट सच अ वे दैट 3 कम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो 3 कम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4C3। देखिए, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 4। आ रहे ना, 4 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, वो तरीका भी मैंने आपको दिखा रखा है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 2 ऊपर 2 नीचे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हाउ कैन वी अरेंज 4 पार्टिकल सच दैट 2 आर इन अप डायरेक्शन। तो 4 में से 2 ऊपर होंगे, तो ऐसे लिखोगे आप, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 2 2 4, और ये कितना बचेगा आपका, 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 2। तो 2 2 4 कट जाएगा और ये आपको कितना बचेगा, 6। इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6। नाउ योर दिस वन, ठीक, इसमें कितना है, 4 एक ऊपर है 4 नीचे है। देन अगेन वी विल, आई विल राइट इट एज 4C1। तो इसका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, इतना ही आएगा। इसको भी हम 4 तरीके से सजा सकते हैं और इसको हम सिर्फ एक तरीके से सजा सकते हैं। तो अगेन दिस विल कम 4C0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि आपका मैक्रो स्टेट क्या है और माइक्रो स्टेट क्या है। माइक्रो स्टेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज टू अचीव माइक्रो स्टेट एनर्जी इज नोन एज माइक्रो स्टेट। मैं लिख देती हूं, नंबर ऑफ वेज टू अचीव एनर्जी टू अचीव माइक्रो स्टेट ऑफ एनर्जी is known as micro state. is known as micro state. तो ये भी आपको डेफिनेशन है, एंड आई थिंक यहां से आपको क्लियर होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एनसेंबल एंड एवरेज प्रॉपर्टीज। ओके, व्हाट इज एनसेंबल, ये सारी डेफिनेशन मैंने बोल्ड पे लिख दी है, यू हैव टू कॉपी इट। मैं इसको पढ़ती हूँ और फिर मैं आप लोग को इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, एन एनसेंबल इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम with all accessible microstate represented in it with equal frequency. Okay, क्या है ये, an ensemble is a collection of identical system with all accessible microstate represented in it with equal energy. जैसे अभी हमने पिछला example किया था जिसमें हमने 4 particle का एक system ले रखा था, तो all particles are identical in themselves. ठीक है, and it has a lot of state, कई microstate थे, फिर उनसे microstate से मिलके एक macrostate हमें मिला, तो वो पूरा क्या है, वो एक ensemble है, एक family है. Okay, तो it consider, इसमें हम कौन सी theory use करते, it consider the postulates of equal a priori probabilities. What is this postulate? Equal a priori probabilities का मतलब ये है कि हर
एक माइक्रो स्टेट को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी. ओके, हर एक माइक्रो स्टेट को पाने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. इट सेज दैट सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज. मैं भी समझाती हूँ इसका मतलब आप लोग को. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट इज गिवन बाय. प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट हम कैसे लिखते हैं, इज गिवन बाय नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉलिंग अंडर इट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेबल माइक्रो स्टेट. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फिर क्या हो गया यहाँ पे, पी जे इज इक्वल टू डब्ल्यू जे अपॉन सिग्मा ऑफ डब्ल्यू जे. इफ एनी प्रॉपर्टी एक्स मे बी एनर्जी और मोमेंटम हैज वैल्यू एक्स जे इन द मैक्रो स्टेट देन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओवर दिस वन. तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, इवन ये थियरी आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे हाउ कैन वी फाइंड आउट एवरेज वैल्यू एवरेज एनर्जी. सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं, दिस इज एवरेज वैल्यू. तो दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विच मीन द सेम थिंग एवरेज वैल्यू सिग्मा ऑफ एक्स जे पी जे और पी जे की वैल्यू हम यहाँ से रखें, हमें ये आपको फॉर्मूले में मिल गया. अब एक्चुअली ये था क्या, ये देखते हैं. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव फोर पार्टिकल्स इन अ सिस्टम. तो सिस्टम किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का, ए बी सी डी. दिस इज अ कंटेनर विच हैज टू सेपरेशन टू सेल और हर एक सेल में क्या है, दो पार्टिकल है. तो ए बी के यहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी. सी डी के यहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी. तो वही कह रहा है कि एन एंसेंबल इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सिस्टम विद ऑल एक्सेबल माइक्रो स्टेट. अब होता क्या है कि ये जो इनके बीच में सेपरेटेड वॉल है, अगर किसी वजह से भी बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट देन व्हाट विल दे डू, वो शिफ्ट करेंगे यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ. अगर ये जो है वो आपका परमीएबल है, यहाँ से यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इसके कई स्टेज यहाँ पे पा सकते हैं. हमें कैसे मिलेगा, हमें ऐसे भी मिल सकता है कि ये सारा हमें एक में मिल जाए, ए बी और सी डी. ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो, ऐसे मिल सकता है ए बी सी डी, या फिर कैसे मिल सकता है इस तरीके से, कैसे मिल सकता है कि सारे एक में हो जाए, ए बी सी डी. मीन्स चार पार्टिकल है जिसको दो कंटेनर में हमें रखना है. मीन्स हमने रखा था ऐसे, लेकिन ड्यू टू इंटरनल एनर्जीज एंड ड्यू टू दिस सिस्टम जो ये वॉल है, दिस इज कंडक्टिंग, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं. तो क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम है इसके पार्टिकल्स इधर से उधर, उधर से इधर से उधर से इधर जंप कर रहे हैं, बट इनकी जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिमेन सेम. ठीक, टोटल एनर्जी सिस्टम की सेम होगी. उस समय हमें कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी में निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी में ये निकालेंगे कि ए बी इसी कंटेनर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. इस समय जब ए और बी इस कंटेनर में है उस समय उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, मतलब उसकी एवरेज एनर्जी कितनी है, एवरेज मोमेंटम कितना है. ठीक है, ये चीज हम निकाल सकते हैं. उसको हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से. यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी सिंपल मीनिंग और डेफिनेशन, और ये हो गई आपकी एवरेज वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंसेंबल एंड एवरेज प्रॉपर्टीज. एंसेंबल मतलब सिर्फ यही होता है कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम. वो सिस्टम कैसे कैसे हमने कलेक्ट किया है, किस तरीके का है. जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक कंटेनर है, उसके अंदर चार पार्टिकल है एंड दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर. ये कंटेनर दो पार्ट में डिवाइड था, मैंने इसमें ए वी डाला था, इसमें सी डी डाला था, लेकिन अंदर की जो वॉल है वो कंडक्टिंग है, तो पार्टिकल्स इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे हैं. तो दे आर मेकिंग देयर ओन स्टेट बाय मूविंग टू एंड फ्रो और मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर. ठीक है, तो हर
your state, हर एक point पे वो अपना एक अलग energy बना रहे हैं, तो that is your each and every energy is representing your microstate. And here this ABCD, this AB particular, I want that AB must be in first cell. तो probability कितनी होगी कि AB first cell में हो? ठीक? तो दो ही पार्ट है, तो ए बी केस में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ होगी. सी डी केस में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ होगी. इवन अगर मैं पार्टिकल के बिहाफ पे बात करूं, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर एक सिस्टम के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी हमेशा इक्वल होगी. हम कुछ न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, देन यू विल गेट मोर क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस एनसेम्बल. एनसेम्बल के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी डिजाइन एनसेम्बल एंड वी गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनसेम्बल. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना. एन एनसेम्बल इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम. ये कलेक्शन कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का. उसके हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन. ओके, राइट इट. अ सिस्टम हैज फाइव डिफरेंट मैक्रो स्टेट. अ सिस्टम हैज A system has five different macro state under which they are 6, 20, 42, 12 and 2 micro state. Under which they are, under which they are 6, 20, 42, 6, 20, 42, 12 and 2, 2 micro state. A probability X is associated with the system has value 4, 4, 2, 6 and 10. A probability associated with X a property X associated with system has value 4, 4, 2, 6 and 10 respectively. 4, 4, 2, 6 and 10 respectively. For the 5 micro state, for the 5 macro state, find, पहला क्या निकालना आपको? Probability for the different states, average value of x and x square. Sorry. Probability of different state. Second क्या है? Average value of x and x square. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये निकालना है. टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी वी नीड द गिवन रिक्वायर्ड माइक्रो स्टेट विद द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट. तो अ सिस्टम हैज फाइव डिफरेंट मैक्रो स्टेट, पांच मैक्रो स्टेट है अंडर विच दे आर 6, 20, 42, 12 एंड 2 मैक्रो स्टेट. तो टोटल मैक्रो स्टेट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट
42 plus 12 plus 2. Yeah, yeah. Huh. So what you are getting over here? 40, 50, 60, 70. उसके बाद 80 and this one is 82. तो हर स्टेट को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कौन कौन सा स्टेट है? A property X associated system. X associated with system has a value 4, 4, 2, 6 and 10. तो हर एक system से probability of getting microstate 6 is 6 upon 82. Probability ऐसे मैं हर state का बता दे रही हूँ. 20 को पाने की probability कितनी होगी? 20 upon 82. 42 को पाने की probability कितनी होगी? 42 upon 82. Next 12 upon 82 and then next 2 upon 82. ठीक? Probability of different state. Average value of x and average value of x square. Average value of x कितना होता है? आपका formula था sigma of x into px. तो अगर 6 की हम बात करेंगे तो 6 की average value कितनी है? 4. तो 4 into 6 upon 82 plus फिर से okay, 4 into इसको पाने की probability कितनी है? 20 upon 82. ठीक? फिर next क्या है? 2 into 42 upon 82 plus 6 into 12 upon 82 plus 10 into 2 upon 82. Like this way you will get the average value of x. So average value of x kitna aapka hai? Iska answer aapka aayega 3.41. Now what is this average value of x square raised to the power 1 by 2? तो x square का मतलब क्या होगा? इसको आपको square करना पड़ेगा, मतलब formula आपका हो जाएगा sigma of x square into p of x. आप लोग quantum mechanics में ही पढ़े हैं, 4 4 जा 16, 6 upon 82 plus 4 4 जा 16 into 20 upon 82 plus 2 2 जा 4 into 42 upon 82 plus 6 6 जा 36 into 12 upon 82 plus 10 10 जा 100 into 2 upon 82. तो final आपका इसका आंसर क्या आएगा? 3.85. इसको पूरे को आपको क्या करना है? अंडर रूट निकालना है, क्योंकि ये x square का ये मैं लिख रखी हूँ यहाँ पे, इसका 1 by 2, इस पूरे का 1 by 2, then your answer will come 3.85. ठीक है? तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक्रो स्टेट के अंदर हर ए पहले माइक्रो स्टेट के अंदर 6 माइक्रो स्टेट था, दूसरे माइक्रो स्टेट मैक्रो स्टेट के अंदर 20 था, तो हर एक को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इतनी. एवरेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है? मतलब फाइव डिफरेंट माइक्रो स्टेट दे आर, इसके अंदर 6 माइक्रो स्टेट है, मान लो हर माइक्रो स्टेट की एनर्जी 4 म्यू भी है, ठीक? तो 4 म्यू नॉट बी की पानी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये हो गई. 4 म्यू नॉट बी की एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? अगर ये एनर्जी है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ये एनर्जी. तो 4 म्यू नॉट बी पानी की टोटल एवरेज एनर्जी कितनी है पूरे सिस्टम में, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से like this way you came to know that I think you may be now understand that what's the meaning of macro state and its property. एक question और है जो आप देख सकते हैं, आप try कीजिएगा, मैं कराऊंगी नहीं, आप खुद करना. If there comes any doubt, you can ask. 4 spin half particle have energy minus 2 mu not b. Okay, मैं आज ये दे रही हूँ, आप इसको करिएगा. 4 spin half particles have energy minus mu not minus 2 mu not b. What will be probability that magnetic moment is in up direction? What
be probability that magnetic moment is in a direction. Find the average value of magnetic moment. ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको करके आना है. Value of magnetic moment. ठीक है, हैव एनर्जी. मैं हिंट आपको दे देती हूँ. फोर स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैव एनर्जी माइनस टू म्यू नॉट बी. ये आपको कब मिलेगा? फोर मैं करा चुकी हूँ. म्यू नॉट बी, टू म्यू नॉट बी, थ्री म्यू नॉट बी माइनस म्यू नॉट बी, मतलब हो गया तीन. ये हो गया, ये तरीका होगा. इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? चार तरीके से. फोर पार्टिकल्स, तीन ऊपर होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल थ्री और फैक्टोरियल वन. तो ये कितना हो जाएगा आपका? चार तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं. व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इन अप डायरेक्शन? अप डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अप डायरेक्शन में होने की कितनी है? तीन. टोटल कितना है? चार. इसी तरीके से अगर पूछता कि डाउन डायरेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो कितना होता? 1/4. नेक्स्ट क्या है? फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब 3/4 को इसकी एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, देन दैट इज जब वो ऊपर की तरफ होता है तो उसकी वैल्यू म्यू नॉट है, और प्लस 1/4 नीचे की तरफ की एवरेज वैल्यू इसकी कितनी है? माइनस ऑफ म्यू नॉट है. तो 3 - 2 टोटल हो गया 1/2 ऑफ म्यू नॉट. एवरेज वैल्यू आ गया 1/2 ऑफ म्यू नॉट. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट पोस्टलेट ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स, और उसके साथ हम एनसेंबल के बारे में बात करेंगे. ठीक, दैट्स ऑल.